Hey guys, good morning and welcome back to our channel Nikpia Blog. तो अभी सुबह तो नहीं है, अभी 12 बजने को आए हैं. तो अभी से स्टार्ट होता है आज का ब्लॉग. दो दिन मिडिल में मेरा तबीयत कुछ खास नहीं था, इसके कारण ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाए. और आज इस मतलब बंगाली जो महीना होता है उसका लास्ट डे है, और उसके दो दिन मतलब कल के बाद से ही पूजा स्टार्ट हो जाएगा. कोलकाता में तो स्टार्ट भी हो गया, और जैसे कि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे पूजा होते हैं, लेकिन वो षष्ठी के दिन से स्टार्ट होता है. ठीक है, मतलब जो लोग देखने के जाते हैं या फिर कुछ, सब षष्ठी दिन से स्टार्ट होता है. तो हम भी चलेंगे उस दिन पे पूजा देखने, वो तो बाद में आप लोगों को जरूर से दिखाएंगे. तो आज इस डे पे हमारे घर पे कुछ रिचुअल होते हैं, जैसे कि आज बहुत सारे सब्जी देखे दाल बनेगी, तो पूरा दिन वही से मतलब दिन गुजरेगी. आज कोई नॉनवेज खाना या फिर कुछ नहीं होगा, वही है. और रात को भी कुछ रिचुअल होता है, तो आप लोगों को तो ज़रूर दिखाएंगे. और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं किया है, मैं थ्रेडिंग करने के लिए गई थी, बट ये वाला देखो, ये थोड़ा मतलब ठीक ठाक सा है, और ये वाला देखो थोड़ा मोटा करके रखा है. बट मैंने आंटी को बोला था कि आप जितना हो सके उतना मोटा ही रखना, क्योंकि मुझे शोरू जो चिकना होता है वो अच्छा नहीं लगता. तो ख़राब कर दिया इस बार का मेरा फेस पूजा के टाइम पे. मैंने बहुत दिन से थ्रेडिंग नहीं किया था कि हाँ पूजा के टाइम पे मुझे करना है, बहुत अच्छा लगेगा, बट खराबी हो गया. तो जो भी है चलो आज का ब्लॉग यहीं पे स्टार्ट करते हैं. तो गाइस अभी हम आए हैं ऐसे एक छोटा सा दो केले का ये जो पेड़ होता है इसको क्या कहते हैं पता नहीं, ये लेने के लिए आए हैं. और माँ भी पीछे पीछे आए हैं, आ रहा है पीछे तो बहुत है, मैंने जूता भी नहीं पहने आ गई ऐसे ही. तो देखते हैं कौन सा लेते हैं, बहुत सारे हैं देखा. गाइस मैं तो आई तो थी, माँ अभी तक नहीं आई. आ रही है ना आके एक सांप दिख गए, तो मेरा तो और नहीं होगा, मैं अभी जा रही हूँ, बाद में माँ लेके आएगी. मेरे से वो सब काम नहीं होगा, होता भी नहीं है. तो चलो मैं घर जाके अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ना भूख लग गया. और ऑलरेडी माँ यहाँ पे कट के भी रखा है, और आज का वेदर तो बहुत ही अच्छा है, मतलब पूछने लायक है. देखा चलो घर पे चलते हैं. कि कार्तिक शिक्षी से उसके बाल किससे से गुस्सा गुस्सा जब करते हैं, गुस्सा करते हैं तो और जोर से देते हैं, जानना है इसे. और ये दिया रेडी करके रखे हैं, क्योंकि शाम को ये काम आएगी. और बातें करते करते राय आ गई उसके माँ के साथ, और माँ ना खाना खा रही थी, तो राय के मुंह पे थोड़ा सा डाल दे दिया. और इसको देखो खा तो रही है, और भाभी बता रही है इसने बहुत, उसको तीखा बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा इसको तीखा दे दो तो बहुत अच्छे से खाते हैं ये. तो गाइस मेरा लंच ब्रेक सब कुछ हो गया, और अभी मैं बैठी हूँ, और बड़ा भाभी और राय जो आए थे वो लोग भी चले गए, क्योंकि राय को ना थोड़ा सर्दी मतलब बुखार सा लग रहा है, तो वो जल्दी आज इसलिए चले गए. और अभी कुछ है भी नहीं, मैं अभी क्या करूँ पता नहीं. और आज उठ के मैंने सुबह सुबह ही नहा लिया था, तो अभी ना नींद आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है. और कुछ काम भी नहीं है, रीक भी अभी बिजी है, सब अपने अपने काम पे बिजी होते हैं, और मैं यहाँ पे बैठ रहती हूँ, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे आने के बाद मेरा माँ भी मुझे उतना काम करने नहीं देते, जो एक दो काम होता है मतलब हाथ बटा देते हैं, बाकी कोई काम उतना अच्छे से करने नहीं देते. और मोहल्ले के दिन के बाद से यहाँ पे मतलब पास में एक दो पूजा होते हैं, वहीं पे गाना बज रहा है, और मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि यार के बाकी जो भी दिन होता है चलो ठीक है, बट पूजा के टाइम अगर अपने प्यार अपने साथ नहीं होता ना, और भी बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही. तो मेरा भी यही है कि मन बहुत ख़राब लग रहा है, कभी कभी होता है, बट सिचुएशन समझना होता है, कुछ कर भी नहीं सकते. चलो देखते हैं लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता. तो जो भी है चलो बाद में मिलते हैं शाम के टाइम. गुड इवनिंग एवरीवन. तो अभी टाइम हो चुके 5:30, और माँ ने आके बोला कि चलो यहाँ पे दिया जलाया जाते हैं इस दिन पे. हमारे घर पे नहीं है, हमारे यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबके घर में दिया जलते हैं, तो चलो अभी वो करते हैं. टाइम भी थोड़ा बहुत लेट भी हो चुका है, माँ ने पहले ही बोल के रखा था कि शाम होने से पहले ही करना होता है ये. तो चलो गाइस अभी मेरा ना इतना नींद आ रहा है, अभी मैं सो जाऊँ ना मेरा माँ मुझे किस किस चीज से पिटाई देगी मुझे पता नहीं. तो चलो अब बाहर चलते हैं, बाहर जाके दिखाते हैं आप लोगों को. पहले मैंने एक धूप जलाया और साथ में एक दिया भी, क्योंकि पहला जो दिया होता है तुलसी का जो मंदिर होता है वहीं पे दिया जाते हैं, तो मैंने दे दिया.
तो गाइज इस बार हम इतना दिया नहीं जलाएंगे और ये जो दिया जल रहा है ये सब हम घर के आसपास पे ही देंगे। पीछे भी दिया था लेकिन वो वीडियो नहीं कर पाए और शुभ का भी मन हुआ कि एक दिया वो भी देंगे। पिछले बार ये हाथ पे लगाया था इसलिए डर भी थोड़ा मुझे लग रहा था। तो अभी हम चलेंगे इस पास के आंटी के घर पे और ये आंटी ना बहुत ही दिया जलाया था। ये देखो ये सब तुलसी का जो मंदिर होता है वहीं पे दिया, बाकी बहुत ही दिया जलाया था और कितना सुंदर भी लगता है। आज के दिन हमारे यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबके घर में आज के दिन दिया जलेगा ही जलेगा। और ये है मेरा और एक भाभी का घर। तो भाभी ने भी पीछे भी बहुत सारे दिया लगाए तो बाद में दिखाऊंगी। अभी ये घर के सामने भी दिया दे रहा है। एक्चुअली दिया यहाँ पे सिर्फ सामने या फिर पीछे नहीं, घर के जितने भी कोने कोने का जगह है वहीं पे दिया जाते हैं। और ये फूल बहुत ही अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो वीडियो कर लेते इसीलिए किया था। और देखो ये एक और रिचुअल होता है कि आग जला के घर के सारे जगह पे इसका जो धुआं, मतलब धुआं नहीं आग दिखाया जाता है। इसे ये मानना होता है कि इस दिन पे ऐसे करने से जो भी बुरा जो साया होता है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके कारण ये लेके घर के चारों तरफ से 5 बार घूमेगी तो इससे यही मानते हैं कि बुरा जो शक्ति होता है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए देखो भाभी ये कर रहे और पीछे पीछे शुभ होकर देखो कैसे घंटा बजा रहा था। और अभी ये आग को यहाँ पे रख दिया जाएगा और इससे ना हाथ और पैर सेका जाएगा। हम छोटे से यही मान के आते हैं कि इस पे अगर आप हाथ और पैर सेकोगी तो पूरा साल हाथ और पैर में कोई दर्द नहीं होता। तो ये किसी को कुछ संस्कार भी लग सकता है लेकिन हम छोटे टाइम से यही मान के आते हैं, रिचुअल करते हैं तो अभी भी यही चल रहा है। तो आज के दिन हम जब छोटे थे बहुत ही इंजॉय करते थे तो मैंने भी थोड़ा सा सेक लिया। तो चलो ये हो गया और अभी हम चलेंगे घर पे। और मैं माँ थोड़ा बाहर गया था तो आने के टाइम आज भेज है इसके कारण समोसा लेके आए हैं। तो गाइज ऐसा ही गया आज का दिन और अभी 8:30 बज चुका है। एक्चुअली मैं सुबह को ना थोड़ा पढ़ाई करवा रही थी, वो बहुत बदमाश हो चुका है बच्चा, अपने से नहीं पढ़ते तो होमवर्क या फिर जो भी था सब कुछ करवा दिया। अभी मैं जाऊंगी माँ के साथ थोड़ा, मेरा भाई यहाँ पे एक आंटी है उसके घर पे जाऊंगी, आंटी ने जाने के लिए बोला था तो उसके लिए मैंने सोचा कि ब्लॉग एंड करवा के ठीक जाते हैं। और जिस किस किस के घर में ऐसा रिचुअल होता है और किसने देखा है ऐसा वाला रिचुअल हो तो कमेंट पर ज़रूर बताना। तो आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा हो तो कमेंट पर ज़रूर बताना। आज के लिए बाय बाय गाइज़।